25 देखिए। इन द गिवन फिगर ट्रेंगल ए एच के इज सिमिलर टू ट्रेंगल ए बी सी इफ ए के हमें दे रखा है दैट इज 8 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर एंड बी सी दे रखा है 3.2 सेंटीमीटर एंड एच के दे रखा है 6.4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द ए सी। तो हमें ये वाली साइड निकालनी है। हमें गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है ट्रेंगल ए एच के इज सिमिलर टू ट्रेंगल ए बी सी, ये आपस में सिमिलर है, तो हमें ये वाली साइड निकालनी है। अब अगर दो ट्रेंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को मैं प्रोपोर्शन में लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ए एच अपॉन ए बी, एच के अपॉन बी सी, ए के अपॉन ए सी। अब आप देखो जरा, एच के दे रखा है, बी सी दे रखा है, ए के दे रखा है हमें, और यहां पे ए सी निकालना, तो इन दोनों पेयर्स को मैं यूज कर सकता हूं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं एच के अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए के अपॉन ए सी। एच के की जो वैल्यू है वो है 6.4, बी सी की वैल्यू है 3.2, ए के की वैल्यू है 8, और ए सी की जो वैल्यू है वो हमें यहां पर निकालनी है। तो यहां पे आप ए सी को इनफैक्ट यहां पे कैंसिल कर सकते हैं, पॉइंट को हटाने के लिए 10, यहां पे पॉइंट को हटाने के लिए 10, 10 से 10, 32 से 2 टाइम्स, तो यहां पे आ गया विच इंप्लाइज 2/1 इज इक्वल टू 8/AC, 2 से 4 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां से आ गया ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो केवल जो सिमिलर ट्रेंगल्स दे रखे थे उनकी साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख लेना है और फिर हम यहां से ए सी निकाल पाएंगे।